नमस्कार, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ क्रांति प्रिया। इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं कार्यक्रम इलाज का इलाज, और कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे पाइल्स की समस्या को लेकर। जी हाँ, अगर बवासीर की हम बात करें तो वो एक ऐसी समस्या जिससे अक्सर लोग गंभीरता से नहीं लेते, या फिर ये समस्या होने पर किसी से कहने में हिचकिचाते हैं। सही समय पर उपचार न करने के कारण समस्या बढ़ जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर के अंदरूनी और बाहरी हिस्से की शिराएं सूज जाती हैं, जिसकी वजह से गुदा के अंदरूनी हिस्से में या बाहर के हिस्से में कुछ मस्से जैसे बन जाते हैं। इनमें से बार बार खून निकलता है, दर्द होता है। अगर आप भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं या किसी तरह के लक्षण हैं जो दिखाई देने लगे हैं, तो सावधान हो जाइए। ये कार्यक्रम आपके बहुत काम आने वाला है। यहाँ बताई गई जानकारियों को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा और फिर इलाज करना पड़ेगा। और ये सारी जानकारियाँ देने के लिए आज कार्यक्रम में मैंने विशेष रूप से आमंत्रित किया है डॉक्टर अभय सिंह जी को, जो कि BIMS हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से मैंने बताया दर्शकों को कि वाकई एक गंभीर समस्या है, क्योंकि कुछ लोग समझ ही नहीं पाते, वो एक नॉर्मल प्रक्रिया समझते हैं या हार्मोनल का चेंज समझते हैं, व्हाटएवर। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि ये समस्या होती किस वजह से, इसका कारण क्या है। देखिए, पाइल्स एक मल द्वार और रेक्टम के जो मलाशय होता है उसके मुख द्वार पे होने वाली समस्या है। ये सिराओं में मुख्य रूप से होती है, रक्तवाहिनियों में होती है जी। रक्तवाहिनियाँ मलाशय में एक पैड या सहया का निर्माण करती हैं जहाँ पे मल स्टोर होता है। ठीक। किसी कारण से अगर वहाँ पे प्रेशर लंबे समय तक बना रहता है तो वो फूल जाती हैं और उनमें ब्लड भरा हुआ रहने लगता है और सूजन आ जाती है। जब सूजन आती है तो कुछ कुछ केसेस में दर्द होता है, कुछ में दर्द नहीं होता है। साथ ही इनसे रक्त का रिसाव होने लगता है जी, जो कि शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। बिल्कुल सही बात है। खून की कमी इसमें मुख्य रूप से देखी जाती है। हाँ, यह दो प्रकार से होता है, कभी रक्त का स्राव बिना दर्द के होता है, कभी दर्द के साथ होता है। जब रक्त का स्राव दर्द के साथ होता है तो ये बाह्य पाइल्स कहलाते हैं, मतलब एक्सटर्नल पाइल्स कहलाते हैं, और जी जब जी बिना दर्द के होता है तो इंटरनल पाइल्स होते हैं, जिनका हमें बाहर से एग्जामिन करने में समझ में नहीं आता, उसके लिए इंटरनल एग्जामिन्स की ज़रूरत होती है। और एक्सटर्नल पाइल्स जो होते हैं वो हमें बाहर से एग्जामिन करने पे दिखाई देते हैं कि पाइल्स की समस्या है। जी, इसके तो मतलब इसके टाइप होते हैं जी जी। इंटरनल और एक्सटर्नल करके दो टाइप होते हैं, ठीक है जिनको जी। हिंदी में बादी बवासीर हाँ, और सादा बवासीर के नाम से जाना जाता है। ओके ओके। तो किस तरह से, मतलब इंटरनल मतलब कि बाहर खून का स्राव नहीं होगा। बाह में खून का स्राव तो दोनों में होता है, अच्छा पर अच्छा पेन केवल बाह में होगा। एक्सटर्नल पाइल्स जो होते हैं उनमें पेन होगा और अच्छा स्वेलिंग अच्छा होगी, जी, इंटरनल बिल्कुल पाइल्स में पेन नहीं होगा। ओके। तो कौन सी, हालांकि बीमारी तो सारी ही खतरनाक होती है, जी लेकिन अगर पर्टिकुलरली मैं इन दोनों प्रकारों में से बात करना चाहूँ तो कौन ज़्यादा खतरे की घंटी है। देखिए, जब सीवियर रूप ले लेगी तो कोई भी बीमारी बिल्कुल खतरे की घंटी होगी, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि खून की कमी पहला कॉम्प्लिकेशन होता है इसका। जब जी ब्लड लॉस होता है बॉडी से तो सबसे पहले एनीमिया होता है, एनीमिया शरीर में वीकनेस पैदा करता है और भी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से नहीं चल पाती हैं। इसलिए इनका शुरुआती तौर पे पता लगना और उसका उपचार होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आपने बताया, ऐसे केसेस में मरीज डॉक्टर के पास जाना उचित नहीं समझते, हिचकिचाते हैं अपनी समस्या को बताते हुए, जबकि बिल्कुल एक बहुत छोटी समस्या है। कुछ दैनिक क्रियाओं में परिवर्तन करने से और आहार में परिवर्तन करने से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। ओके। ये सारी चीजें, थोड़ा सा लक्षणों की तरफ बढ़ते हैं, जी क्योंकि समस्या क्या हो सकती है, क्या टाइप है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। कैसे हम समझें कि अब ये समस्या की शुरुआत हो चुकी है, जी एक्चुअली फर्स्ट स्टेज की मैं बात करना चाह रही हूँ। फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले जब मोशन के टाइम पे स्टूल के साथ ब्लड दिखाई देगा और कभी कभी पेन भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया, वो टाइप पे डिपेंड करेगा। पेन हर बार होगा ये तय नहीं है, हाँ पर स्टूल के दौरान पेन होगा, बाह्य मलद्वार के बाह्य हिस्से में स्वेलिंग या गुठली नुमा संरचना दिखाई देगी। कई बार वो मोशन के साथ बाहर आ जाती है, अपने आप अंदर चली जाती है, कई बार बाहर आती है तो बाहर ही रह जाती है। इस तरह के लक्षण दिखाई देंगे, पेन ओके। होगा, अरुचि होगी, खाने की इच्छा नहीं होती, लोअर पार्ट में जलन होगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये उसके लक्षण जी हैं जो शुरुआती दौर में समझ जाना चाहिए। जी
क्या कारण होता है? कारण मतलब जीवन शैली भी बदल रही है, खान पान का तरीका बदल रहा है, मतलब अब ये है कि एकदम हम चेंज होते चले जा रहे हैं, लाइफ स्टाइल हमने एकदम से ही चेंज कर दी। कहाँ सुबह पहले उठा करते थे क्योंकि संयुक्त परिवार में रहा करते थे, लेकिन अब एकदम से चीजें बदल रही हैं। तो जीवन शैली मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा मैटर करता है, मतलब बड़ा फैक्टर है। जी जी देखिए, मुख्य रूप से लाइफ स्टाइल ही इसका कारण माना जाता है। एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं चल पाया है, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन ऐसी सामने नहीं आई है जिससे हम कह सकें कि पाइल्स इसके द्वारा होता है, ये कारण होता है। पर कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे ये होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे अनियमित खान पान। हाँ जी, अगर हम हमारा खाना भोजन की का टाइमिंग फिक्स नहीं होगा तो पाचन क्रिया डिस्टर्ब होगी। पाचन क्रिया डिस्टर्ब होती है, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन होगा, या फिर फ्रिक्वेंसी ऑफ मोशन होगा, बार बार बिल्कुल बार बार मोशन जाना होगा। तो इससे पाचन क्रिया डिस्टर्ब होने से ये क्रिया हो सकती है। लंबे समय तक का प्रेशर, जैसे जॉब के कारण लंबे समय तक बैठना, टूरिंग जॉब होने से लंबे समय तक सीधे बैठ के या बाइक चलाना या कार चलाना, उससे भी प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेगनेंसी के दौरान एब्डोमिन में प्रेशर क्रिएट होता है। कई बार पेट का पानी, जैसे एसाइटिस जिसको कहते हैं, वो बड़ा रहने से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा। लंबी खांसी एक वजह हो सकती है जो कि एलर्जिक हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन होने से लंबे समय तक मोशन के लिए बैठना, आजकल आदत बन गई है लोगों की कि टॉयलेट में पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, उसमें कितना समय गुजर जाता है ये नहीं पता चलता, पर वो लंबे समय तक बैठना टॉयलेट पे वो भी एक इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट करता है। उससे इस तरह की कंडीशन पैदा होती है। और लोअर एब्डोमेन में प्रेशर पड़ने से ब्लड वेसल्स में दबाव बनता है, वो फूल जाती है, फूल के पाइल्स का निर्माण करती है। बिल्कुल, मतलब ये समझा जा सकता है कि कब्ज जो होता है उसका वृहद रूप है बवासीर। बृहद नहीं है, एक कंडीशन होती है कब्ज जिसमें बवासीर हो सकते हैं। हाँ हाँ, तो मतलब ये कि अगर पेट साफ है, या ये कहा जाए कि कब्ज की अगर समस्या नहीं है, या फिर ये कहा जाए कि कब्ज की अगर समस्या हो रही है तो फिर ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा ना हो कि बवासीर भी कहीं ना कहीं घेर ले आपको। बिल्कुल है ना, कब्ज अगर है तो एक समय के बाद बवासीर होना तय है। ओके, मतलब ये दोनों ही बीमारियां, और ये आनुवांशिक भी हो सकती है। अगर पेरेंट्स को है और आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है तब भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। हम बवासीर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बवासीर, मतलब बवासीर जेनेटिक भी हो सकती बिल्कुल है। भी हो सकती। तो फिर जेनेटिक अगर है तो फिर किस तरह की सावधानियां रखी जाए? मतलब हमें पता है कि हमारी लाइफस्टाइल एकदम अच्छी है, हमारा तौर तरीका बहुत सही है, खान पान एकदम सही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जेनेटिक वाला फैक्टर है जो परेशान करता है, तो फिर ऐसे लोगों को भी सावधानी रखने की जरूरत है। सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले तो जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है उसके बढ़ाने वाले कारक है, जो कंडीशन है उनसे बचाव करना चाहिए। दूसरा, अगर किसी तरह का साइन या सिम्टम्स दिखाई देता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि जो कंडीशन डेवलप हो रही है उसको वहीं रोका जा सके और उसका इलाज किया जा सके। ओके, बवासीर पेट की समस्याओं पर हम चूंकि बात कर रहे हैं कि सारी ही चीजें वहीं से शुरू होती, कहते हैं ना अगर आपका पेट साफ है तो फिर आप स्वस्थ रह सकते हैं, मुझे ऐसा लगता सही है ये लाइन? बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, जी बिल्कुल सही है। तो अगर मैं ये बोलूं आपसे कि पेट को फिर स्वस्थ रखने के लिए, साफ होने के लिए जो दिनचर्या होती है ना, जैसे कि आप बोल रहे कि अगर ज्यादा समय तक बैठने का आपका सिटिंग जॉब है तो क्या होता है, स्किप हो जाता है मोशन सुबह। बिल्कुल, तो मुझे लगता है ये जो पर्टिकुलर एक टाइम होता है या मोशन की प्रक्रिया अगर सही होती है तो इन चीजों से बचा जा सकेगा, थोड़ा सा इस पे भी डिटेलिंग दीजिए। बिल्कुल, मोशन एकमात्र कंडीशन है, अगर पेट साफ रहेगा अच्छे से तो ये डेवलप नहीं होगा, पर दूसरी कंडीशंस का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ सकता है। जैसे मैंने बताया लॉन्ग ड्राइविंग, डेली ड्राइव करने वाले लोगों को भी इस तरह की कंडीशन का सामना कर सकता है। ओवेज हैं, जो लोग फैटी होते हैं उनके एब्डोमेन का प्रेशर भी बड़ा रहता है। ओके, मतलब ओबेसिटी भी एक कारण है। ओबेसिटी है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बड़ा रहता है उसमें, तो उस समय भी ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। उनको वेट लॉस की तरफ ध्यान देना चाहिए, रेगुलर व्यायाम करना चाहिए। क्रॉनिक कफ, लंबी खांसी जो एलर्जिक होती है, आपने देखा होगा कई लोगों को खांसी बनी रहती है हमेशा। बिल्कुल, जिनका थ्रोट सेंसिटिव होता है उनको भी खांसी बनी रहती है, चेंज ऑफ वेदर पे खांसी बनी रहती है, तो इससे भी पेट पे दबाव पड़ता है और उसमें उस स्थिति में भी पाइल्स डेवलप हो सकते हैं अगर लंबे समय तक एक खांसी है तो। स्मोकर्स डिसीज है। ओके,
और ये मादक पदार्थों का जो सेवन करते हैं, क्योंकि आज के समय में तो बहुत ज्यादा मॉडर्निटी आ गई है चीजों में, तो मुझे लगता है कि खान पान के साथ साथ ये जो नशीले तत्वों का सेवन हम करने लगे हैं ये भी एक बड़ा फैक्टर होता चला जा रहा है। बिल्कुल, उससे हमारा सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब होता है, बॉबल मूवमेंट्स इरेगुलर हो जाती हैं, जो कि एक मुख्य कारण है पाइल्स के निर्माण होने का। ओके, चलिए बचाव के तरीकों पे बात करते हैं कि किस तरह से इससे दूर रहा जा सकता है। वो लोग भी जो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जॉब में हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो लोग भी जो जेनेटिक की वजह से घबराए हुए रहते हैं। जी हाँ, देखिए जहाँ बात आती है कि जो लोग उसके लिए जिनमें ये निर्धारित है कि इस कंडीशन में होना है, जैसे सिटिंग जॉब, तो आप सिटिंग जॉब को छोड़ के बाकी की चीज़ों पे ध्यान देंगे तो शायद ये कंडीशन, ये पाइल्स डेवलप होने की स्थिति कम पैदा होगी। जैसे नियमित व्यायाम करना, सुबह टाइम से उठना, रात का खाना खाने के बाद टहलना, सीधे सोने पे भी कब्ज का निर्माण होता है और कई तरह की पेट संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। खाना खाया और सो गए, ये एक बड़ी कंडीशन होती है जो कि डाइजेशन को डिस्टर्ब करती है। खाना खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए और 15 मिनट का पैदल चलना होना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता, अब हम चूंकि वर्तमान दृष्टिकोण के हिसाब से भी बात करते जाए तो 2 घंटे तो इम्पॉसिबल है। मुझे ऐसा लगता है 90% लोग हैं वो इतने ज्यादा वर्कोहॉलिक हैं, इतने ज्यादा बिजी उनका शेड्यूल होता है, खासतौर से प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो 2 घंटे तो मिलने से रहा। तो अब हम इसी पर बात करते हैं कि जिनके पास 2 घंटे नहीं है रात में खाना पचाने के लिए, तो उनके लिए क्या समस्या? देखिए, जितना संभव हो सके उतना तो कर ही सकते हैं। आहार, रात का खाना हल्का होना चाहिए, फाइबर डाइट होना चाहिए, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, ये आपको रूटीन खाने में लेना ही चाहिए। कई बार हम जैसा आप बता रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में देखा जाता है कि नूडल्स और दाल चावल खा खा के उनका महीने निकल जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फ्रूट्स की तरफ आजकल फल खाना किसी के लिए कोई इच्छा नहीं रखता फल खाने की, उनको बाहर के खाने चाइनीज जो इजीली अवेलेबल हैं वो खाए और सो गए, तो वो अपने आप को इस स्थिति में सुधार कर सकते हैं। अगर वो फल खाएंगे रेगुलर और रात का खाना हल्का खाएं, दूध पिए, तो पेट को साफ रखा जा सकता है, प्रेशर क्रिएट होने से बचा जा सकता है। मैंने ऐसा सुना है कि जो खट्टे फल होते हैं वो इस तरह की बीमारी में, चाहे वो कब्ज की हम बात करें, बवासीर की हम बात करें, तो इस तरह की बीमारियों से दूर रखते हैं, सही है क्या ये? बिल्कुल सही है, खट्टे फलों का, फल सभी तरह के फल पेट को, पेट के लिए अच्छे होते हैं, सभी तरह के फल खाना चाहिए, खट्टे फलों का विशेष रूप से ऐसा कोई योगदान नहीं है। अच्छा जी जी, ओके। फलों की चूंकि खान पान की हम बात कर रहे थे, एक्सरसाइज की हम बात कर रहे थे, और चूंकि थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि किस तरह से ओबेसिटी भी इसका कारण हो सकता है, किस तरह से कब्ज भी इसका कारण हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इससे अटैच है। बिल्कुल, क्या बवासीर के बढ़ने के बाद, अभी हम ये बात कर रहे थे कि इन बीमारियों के साथ बवासीर हो सकती है, बवासीर के साथ कौन सी बीमारियां हो सकती है, मैं आगे के लेवल की बात कर रही हूं, क्या हो सकती है वो? बवासीर का अगर समय से इलाज ना किया जाए तो सबसे पहली कंडीशन जो होती है वो एनीमिया डेवलप होता है, खून की कमी। दूसरा फिस्चुला, जो कि मलाशय के लिए अलग से छेद बनाने की स्थिति है, जिसको साधारण भाषा में ऐसे समझाया जा सकता है कि एनस को छोड़ के अलग से एक छेद बन जाता है, वो फिस्चुला होता है, मोशन डायरेक्ट पास होने लगता है, उसका कंट्रोल नहीं होता हमारे पास। जी जी जी, बिल्कुल। कोलोरेक्टल कैंसर तक यहाँ तक बात जा सकती है, अगर आप सही समय पर इसका उपचार ना कराएं तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल, एक और चीज देखने को मिलती है, क्योंकि कब्ज की भी हमने बात की थी शुरुआत में, तो क्या होता है कुछ लोगों को ना सुबह सुबह, आजकल ना बहुत सारे मार्केट में पाउडर अवेलेबल हैं, दवाइयां अवेलेबल हैं, तो उनको लगता है अगर मोशन नहीं आ रहा है प्राकृतिक रूप से, अगर स्वाभाविक रूप से मोशन नहीं आ रहा है, तो वो पाउडर खाने की आदत बना लेते हैं। और मुझे लगता है ये बहुत सारे घरों में बुजुर्ग ये बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब मैं अनुभव से बता रही हूँ आपको। जी हाँ। तो ये जो आदत है, एक तो ये पाउडर खाने की बिना डॉक्टरी सलाह के, उस पर आप थोड़ा सा बताइए, और अगर मोशन स्वाभाविक रूप से नहीं आ रहा है और इस तरह की आदतें आपने डालने की अभी अभी शुरुआत की है, तो किस तरह से सतर्क हो जाना चाहिए? देखिए, कई बार जब सेल्फ डायग्नोसिस होता है, जब हमें लगता है कि जैसे नॉन मेडिको जो पेशेंट्स होते हैं, लोग होते हैं, गूगल पे सर्च करके या कहीं भी देख के उनको लगता है कि पाइल्स हो रहे हैं या कब्ज है, तो उसके लिए वो दवाएं मार्केट में जो ऐड देख देख के दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं, वो कई बार गंभीर रूप ले सकती हैं। कब्ज और पाइल्स के अलावा भी इस स्थान पे कई तरह की बीमारियां होती हैं, पॉलिप, गठाने, कैंसर्स,
इपिथिलियम का थिक हो जाना, ऐसी कई कंडीशन हैं जो कि जानलेवा साबित हो सकती हैं अगर इनको इग्नोर किया जाए। इसलिए बिना डॉक्टरी सलाह के, बिना एग्जामिनेशन के कभी किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही है। कौन से ऐसे पेशेंट होंगे जिनको पाइल्स की समस्या हो सकती है या होती ही है? जी होती ही है ये कहना तो मुश्किल होगा। अच्छा, परंतु कुछ पेशेंट्स जैसे मैंने बताया क्रॉनिक कफ, लंबी खांसी, जैसे स्मोकर्स डिसीज में होती है, ब्रोंकियल अस्थमा में होती है, क्रॉनिक फेरेंजाइटिस में होती है, उस तरह के पेशेंट, कुछ एसाइटिस जिनको जो अल्कोहलिक होते हैं पेशेंट, उनमें कॉमनली पेट में पानी भरने की समस्या आती है। तो पेट में जब पानी भरता है तो लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है, वो पेशेंट, प्रेगनेंसी 9 महीने लोअर एब्डोमेन में प्रेशर होने से भी पाइल्स की समस्या हो सकती है, पर इस कंडीशन के लिए आपको आगे इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही प्रेगनेंसी का समय ख़त्म होता है तो वो खुद ही रिजॉल्व हो जाती है क्योंकि प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। ओके, बिल्कुल आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया है प्रेगनेंसी वाला। क्या गर्भावस्था से जो गुजर रही हैं महिलाएं, उनको भी इस तरह की समस्या अगर बीच में होती है? जी मतलब क्योंकि अब वो ऐसा फेज होता है जहाँ पे शारीरिक चेंजेस आते ही आते हैं, तो किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकेगा उस समय में? 9 मंथ तक की बात करूं, देखिए वो अपने आहार और दिनचर्या में सुधार करके इसको सुधार किया जा सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी दवाइयाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, नहीं दी जाती हैं, इसलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का देना तो ठीक नहीं होता है। परंतु डाइट में ज़्यादा फाइबर, लिक्विड इनटेक, छाछ लेके इस क्रिया से मुक्त, इस कंडीशन से मुक्त हुआ जा सकता है। और जैसे ही 9 महीने पूरे होते हैं प्रेगनेंट डिलीवरी होने के बाद ये प्रेशर रिलीज होता है, तो ये जो कंडीशन है वो सेल्फ ही रिजॉल्व हो जाती है। ओके, अब अगर मैं बात करूं एज फैक्टर की, क्योंकि अब जिस समय की हमने बात की उसके बाद एक और पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या छोटे बच्चों को ये समस्या हो सकती है? वहां से लेकर किस उम्र से लेकर किस उम्र तक ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं और वहीं से बोलना चाहिए ना कि खतरे वाली बात हो जाती है कि अब होना चाहिए हमें सावधान? देखिए जब बात करते हैं एज की तो जो तय है वो है 45 to 65। इस समय पाइल्स होने की समस्या ज़्यादा होती है, पर आज की दिनचर्या और खान पान, जिस तरह से मार्केट में फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और इजीली अवेलेबल हैं, बच्चे आजकल जिद करके उनको खाना पसंद करते हैं, पेरेंट्स के ना चाहे तो भी उन्हें खिलाना पड़ता है, तो एक कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है। आप देखेंगे, आप हमारे समाज में ये आजकल कॉमन हो गया कि छोटे बच्चों को भी बहुत कब्ज की समस्या होती है, वो कंडीशन आगे जाके पाइल्स बना सकती है। तो ये किसी भी एज में हो सकता है, इसके अब तय नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा। ओके, मतलब अब तो छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चों से लेकर, और जैसा कि आप बता ही रहे हैं कि बुजुर्गों को तो खैर ये होती ही है क्योंकि उनका चलना फिरना कम हो जाता, कम हो जाता है। अच्छा, एक और चीज एकदम से मुझे ध्यान आया, वो सवाल कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वेस्टर्न की वजह से, WC आने की वजह से ये समस्या और ज्यादा देखी जाने लगी, क्योंकि मोशन पेट के प्रेशर देने की वजह से ज्यादा स्मूथ होती हैं चीजें, अगर सुबह की प्रक्रिया की हम बात करें। क्या आप भी मानते हैं बतौर विशेषज्ञ इस चीज? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले पेट साफ करने के लिए प्रेशर की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अगर आपको प्रेशर की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आप किसी कंडीशन से गुजर रहे हैं। ओके, मतलब ये सिर्फ भ्रांति। बिल्कुल, चलिए अब भ्रांति की बात उठ गई है तो फिर मैं चाहूंगी कि आप बताइए कि किस तरह के सवाल होते हैं लोगों के आपसे जो पूछते होंगे, किस तरह की भ्रांतियां अभी भी हर क्षेत्र में, चाहे वो शहरी क्षेत्र की बात करें चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, फैली हुई हैं? जी देखिए, सबसे पहले जो भ्रांतियां फैलाने वाले लोग होते हैं नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो कि किसी भी एक नहीं, शारीरिक कोई भी बीमारी हो उसके प्रति वो भ्रांतियां फैलाते हैं और हाइपोथेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं। उनको उस बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं होता है, बस वो ठीक हो जाएगा करके लोगों को भ्रमित करते रहते हैं और अपनी दवाइयां बेचते, अपने प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये निर्धारित होना चाहिए कि अगर किसी भी तरह की कंडीशन पैदा हो रही है इस तरह की, तो डॉक्टर्स, एजुकेटेड डॉक्टर्स या डिग्री होल्डर्स के पास ही जाके उसका समाधान ढूंढें, ना कि किसी तरह की भ्रांति या किसी तरह की भ्रांति पालें। बिल्कुल, इसके लिए कॉमन ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, पर जब कई बार पेशेंट आते हैं तो वो अपनी बीमारी को बढ़ा हुआ लेकर ही आते हैं। प्राइमरी स्टेज में कोई भी डॉक्टर से कंसल्ट करना नहीं चाहता है। मेरी यहाँ पे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी किसी तरह की कोई भी एक सिम्टम दिखाई दे इस दौरान, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें और निर्धारित दवाइयाँ ही लें।
उनका प्रॉपर डोज होना बहुत जरूरी होता है। कभी भी नॉन मेडिको से दवाइयां लेना या सेल्फ मेडिकेशन करना जानलेवा हो सकता है, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जी बिल्कुल, अब मेडिकली आप बात कर ही रहे हैं तो किस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं कुछ लोगों की, एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाह रही थी कि एनीमा की जब हम बात की थी हमने, तो कुछ लोगों का ऐसा तरीका भी है कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो एनीमा लगवा लिया, जी तो ये एक गलत तरीका है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, समस्या को दबाते चले जा रहे हैं बिल्कुल, बजाय उसे दूर करने बिल्कुल। के। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा इस पर भी आप बताएं देखिए, दर्शकों को। एनीमा ये उस समय के लिए होता है जब स्टूल पास ना हो रहा हो या ड्राई हो गया हो, जो कि लंबी बीमारी में, ओल्ड एज में कॉमन होता है, बिल्कुल डिहाइड्रेशन में कॉमन होता है। बिल्कुल स्टूल जब सूख जाता है उस समय स्टूल का पास होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और वो अपने आसपास के एरिया को डैमेज करता हुआ पास होता है, इसलिए एनीमा दिया जाता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें एक क्रियाएँ नॉर्मल नहीं होती हैं, हेड इंजरी, अनकॉन्सियस हैं, उनको एनीमा दे के उनका मोशन साफ कराया जाता है, उनको मोशन कराया जाता है। तो देखिए, एनीमा एक ऐसी स्थिति नहीं है कि वो कभी भी यूज़ किया जाए, ऐसी मेडिसिन नहीं है कि जो कभी भी यूज़ की जाए या कोई घर पे भी इसका उपयोग कर ले बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह से, तो वो एक ख़राब कंडीशन है। जबकि कब्ज के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं, कुछ नियमित आहार विहार से आप अपने कब्ज को ठीक कर सकते हैं, और अगर फिर भी ठीक नहीं होता है तो कुछ दवाइयाँ हैं जो रूटीन में लेने से कब्ज ठीक हो जाती है। अच्छा एनीमा तक बात आने से पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। बिल्कुल सही, मतलब ये है कि वो जो पाइल्स और बवासीर की हम बात कर रहे हैं वो एकदम से ही चीज़ें शुरू नहीं होती है, बल्कि वो पहले लक्षण बताती हैं, कोई भी बीमारी पहले लक्षण बताती है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर आपने उसी समय वो सिम्टम्स पकड़ लिए, सही समय पर विशेषज्ञ की सलाह ले ली, तो मुझे लगता है कोई भी समस्या जन्म ही नहीं लेगी, और अगर जन्म लेगी तो तुरंत ठीक हो जाएगी, वो वृहद रूप नहीं ले पाएगी। इसी के साथ डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय का अभाव इसलिए आपको यही धन्यवाद करते हुए। दर्शकों, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे साथ अभी फिलहाल जुड़े हुए थे डॉक्टर अभय सिंह जी, BAMS हैं, और ये बता रहे थे कि किस तरह से पाइल्स की या बवासीर की समस्या की शुरुआत कहाँ से होती है, क्या इलाज है, और अगर समय पर इलाज ना हो तो कौन सी स्थितियाँ बन सकती हैं। इसलिए स्वस्थ रहिए, अच्छा खान पान रखिए, अच्छी जीवन शैली रखिए, यही पहला और आखिरी मूल मंत्र है। इलाज के इलाज कार्यक्रम में आज इतना ही, बने रहिएगा भास्कर न्यूज़ के साथ।